हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज थोड़ा माइक का प्रॉब्लम रहेगा बिकॉज माइक चार्ज नहीं है और मैं ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज माइक से मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वॉइस इशू और बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थ्री टॉपिक्स हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर भाई ऐसी न्यूज आ रही है कि अगर इंडिया नहीं जाती है पाकिस्तान, तो श्रीलंका इंडिया को रिप्लेस कर सकती है इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। है क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड तो एंड यहाँ पर जो जिमी एंडरसन, द ग्रेट जिमी एंडरसन का लास्ट मैच था कल, लास्ट डे इन टेस्ट क्रिकेट था। लेट सी मेरे क्या व्यूज है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। एंड हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भाई ट्रॉफी जीतने का बात तो कहां घूम रहे हैं। हम लोग को तो बोला था भाई गार्डन में घूमो मत, और खुद भाई विंबलडन देखने चले गए। भाई आइए तीनों टॉपिक से और बात करेंगे। सो अब पहले टॉपिक बात करेंगे ऑब्वियसली जो चैंपियंस ट्रॉफी है, एंड हम सबको देखिए क्या लफड़ा चल रहा है पाकिस्तान ने, तो स्केड्यूल, ड्राफ्ट, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो सब तैयारी कर दी है। आईसीसी जो अप्रूवल है आईसीसी से, तो वो भी ले लिया है। बट भाई यू नो ना भाई, दादा कौन है यहाँ पर, दादा कौन है, हम है दादा, दैट इज बीसीसीआई। एंड यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल के लिए देखेगी यहाँ पर, एंड बीसीसीआई बोलेगी कि भाई हम लोग तो नहीं आने वाले, एंड हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। या तो अगर बीसीसीआई ने बोल दिया कि भाई हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं खेलने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, सो दैट मींस कि भाई श्रीलंका, जी हाँ श्रीलंका यहाँ पर इंडिया को रिप्लेस कर सकता है अगर इंडिया नहीं आती है। एंड आई गेस फेयर इनफ, और द थिंग इज कि सिंपल एज दैट। अभी यहाँ पर बहुत लोग बोले कि भाई इतनी सिक्योरिटी है यार, मैंने तो पहले ही बात भी बोली थी कि आप कितना भी सिक्योरिटी लेके आ जाओ, लाइक आप लाइक नेक्स्ट अप लाइक बोलते हैं कि भाई वो जो इन्फिनिटी लेवल का भी अगर आप सिक्योरिटी लेके आ जाओगे ना, तो भी इंडिया नहीं जाने वाली, बिकॉज वी नो कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहले हुआ है, एंड जो व्हाट इज इट जो है ना दोनों के बीच में, तो वो उससे नहीं होता। तो आप चाहे कितना भी कर लो भाई, तो इट्स नॉट गोना नेवर हैपन भाई, होने नहीं वाला जिंदगी में, अभी भी नहीं होने वाला, 5 साल बाद भी नहीं होने वाला, 50 साल बाद भी नहीं होने वाला, मैं लिख के देता हूँ। तो बट ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में था। नाउ मूविंग ऑन टू जिमी एंडरसन। जी हाँ भाई, जिमी एंडरसन, द ग्रेट जिमी एंडरसन। एंड एक चीज तो है भाई, जो ये बंदे ने किया है, भले ही मे नॉट बी द बेस्ट इन T20 है और मे बी ODI, बट भाई वेन इट कम्स टू टेस्ट ना भाई, नो वन कम्स क्लोजर टू हिम। ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी होगी, क्या पता किसकी क्वालिटी और अच्छी होगी एंडरसन से, बट द कंसिस्टेंसी, द लॉन्जिटिविटी ऑफ जिमी एंडरसन ना भाई, कोई मैच नहीं कर सकता बिकॉज भाई ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि बोरिंग है, ठीक है, लोगों को बोरिंग लगता है कि भाई 5 दिन कौन करेगा, लेकिन ये 5 फॉर्मेट में ना, 5 दिन के जो टेस्ट मैच है ना भाई, इसमें आपकी आपका जो व्हाट इज माइंडसेट, आपका मेंटालिटी, आपका जो फिटनेस है, सब कुछ टेस्ट होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द टफेस्ट फॉर्मेट। एंड 39-40 साल के होके भी वो खेल रहा है, वो फॉर्मेट खेल रहा है जो किसी को पसंद नहीं है, लाइक एब्सोल्यूट बेस्ट। और लाइक आई विल नॉट गो इन टू द स्टैट्स, लेकिन एक चीज है इंडियंस के लिए भाई, कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, द मोस्ट टेस्ट मैचेस प्लेड, बट या एब्सोल्यूट लेजेंड करियर। एंड भाई लेजेंड रिटायर्स, भाई क्या हो रहा है भाई, लेजेंड कितने रिटायर हो रहे हैं भाई, क्या चल के आ रहा है भाई जून के महीने में, तो वो वाली बात थी। थर्ड वाली बात यहाँ पर बात करेंगे हमारे रोहित शर्मा भाई, हमें तो बोल देते भाई गार्डन में गोए घूमेगा नहीं, वरना तो भाई ये हो जाएगा भाई। अब तो भाई पहले गए ऑब्वियसली ट्रॉफी परेड था, उसके बाद अंबानी के संगीत में गए, इफ नॉट रॉन्ग, एंड देन उसके बाद यहाँ पर विंबलडन में एकदम भाई शहनशाह चल के भाई कोर्ट वोट में। एंड विंबलडन में तो भाई पेप जा रहा है, सचिन जा रहा है, तो रोहित शर्मा ने बोला भाई हम भी जाते हैं, भाई हम भी जाएंगे एज अ विनिंग कैप्टन विद द T20 वर्ल्ड कप कैप्टन भाई साहब ऑफ इंडिया। तो भाई बहुत शानदार दिख रहा था, सच बताओ भाई एकदम फुल वड़ा पाव भाई, फुल वड़ा पाव दबा के विंबलडन गए थे। बट या दैट वाज द थ्री टॉपिक्स भाई, जरूर बताना आप लोग भाई कि आप लोगों का क्या कहना है ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर। मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।